नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता के बारे में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी आवेदन नहीं किया है तो आप जल्दी से इसका आवेदन कर दीजिए। तो दोस्तों, हम आपके लिए बताने वाले हैं इसकी संपूर्ण जानकारी। आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश बेरोजगार भत्ता के बारे में। दोस्तों, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनने से पहले घोषणा पत्र में है एक वाक्य था कि यदि आप मेरी सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश के समस्त विद्यार्थियों के लिए, जिनकी यहाँ पर नौकरी नहीं लगी है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, उन को अभी बेरोजगार रोजगार नहीं मिला है, तो उनके लिए यहाँ पर बेरोजगार भत्ते का इंतजाम भी किया जाएगा, वो भी 3500 से 4000 रुपये तक प्रति माह बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप गवर्नमेंट सरकार बन चुकी है, सब कुछ सही हो रहा है, जितने भी अन्य घोषणा पत्र में पहले वादे किए थे उनमें से एक वादा भी यही भी था कि मध्य प्रदेश को सभी वासियों को बेरोजगार भत्ता प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर वादा था कि किसानों का कर्ज माफ, तो किसानों का कर्ज माफ भी हो चुका है। दूसरा यहाँ पर प्रमुख वादा था कि पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी, तो दोस्तों पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी भी प्रदान की जा रही है। अब बात आती है बेरोजगार भत्ते की, तो दोस्तों अभी इसके आवेदन चल रहे हैं, आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद इस पर एक्शन जल्दी से लिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपने इसका आवेदन अभी तक नहीं किया है तो आप जल्दी से इसका आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इस पर भी बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, आपने अभी तक जल्दी आवेदन नहीं किया तो आप जल्दी से इसका आवेदन कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं वो भी अपने मोबाइल से, तो आप इस वीडियो के लिंक पर जाइए, जहाँ पर आपको बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप कैसे अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। तो जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो अब होता है यहीं पर समाप्त। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।